नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। 1 अप्रैल से ट्विटर पर उन्हीं का ब्लू टिक दिखाई देगा जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई है। ब्लू बैज लेने वालों को ट्विटर कुछ खास सुविधाएं दे रहा है। ट्विटर की तर्ज पर अब फेसबुक इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक के बदले पैसे चुकाने का वहां पर भी तैयारी हो चुकी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ट्विटर और मेटा का पेड ब्लू टिक का फॉर्मूला भारत में कितना सफल होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा कमाने के फेर में कंपनियों के यूजर्स बेस पर इसका असर पड़े। वहीं पेड ब्लू टिक कितना तर्कसंगत है, इस पर भी करेंगे एक्सपर्ट से चर्चा। जिन लोगों के पास अभी है, कल नहीं होगा, तो क्या उनके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन आ जाएगा? किन लोगों को ऑप्ट करना चाहिए और किन लोगों को नहीं, इन तमाम पहलुओं पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। सोशल मीडिया पर ब्लू वेरीफाइड बैज अभी तक किसी यूजर्स के लिए साख की बात होती थी, लेकिन अब कोई भी पैसे देकर ब्लू टिक खरीद सकता है। फिलहाल अगर आप ट्विटर पर पहले से ब्लू टिक यूजर हैं और आपको आगे भी इसे बनाए रखना है, तो 1 अप्रैल से आपको पैसे चुका देने होंगे, वरना ट्विटर आपका ब्लू वेरीफाइड बैज हटा देगा। ट्विटर ने इसके लिए हर देश में अलग अलग कीमत रखी है। भारत में ट्विटर पर ब्लू टिक पाने के लिए एंड्रॉइड और iOS यूजर्स को हर महीने 900 रुपए चुकाने होंगे। वहीं वेब यूजर्स के लिए ये कीमत हर महीने 650 रुपए रखी गई है। वहीं इसके लिए सालाना प्लान भी है, इसमें आपको एक मुश्त रकम चुकाने पर करीब 12% की छूट मिलेगी। ट्विटर के वेरीफाइड बैज पर पैसे लेने के फॉर्मूले को मेटा ने भी लागू कर दिया है। अब अगर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ब्लू वेरीफाइड बैज चाहिए, तो इसके लिए आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। यानी ब्लू टिक पाने के लिए अब पब्लिक फिगर होना जरूरी नहीं है, बल्कि इस तमगे को पैसे से खरीदा जा सकता है। भारत में मेटा वेरीफाइड बैज की कीमत मोबाइल के लिए हर महीने 1450 रुपए रखी गई है। वेब यूजर्स के लिए इसकी कीमत 1100 रुपए के करीब है। फिलहाल इस कीमत को चुकाने पर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ब्लू बैज पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि मेटा ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पेड सब्सक्रिप्शन की शुरुआत भी कर दी है। ब्लू वेरीफाइड बैज लेने वालों को ट्विटर कुछ खास सहूलियतें भी दे रहा है। इसके यूजर्स को ट्वीट करने और रिप्लाई करने के लिए 4000 कैरेक्टर्स दिए जाएंगे। एडिट ट्वीट की सुविधा के तहत किसी ट्वीट को आधे घंटे में 5 बार एडिट किया जा सकेगा। ब्लू बैज यूजर्स फुल HD क्वालिटी के वीडियो शेयर कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इन्हें ट्विटर पर दिखने वाले विज्ञापन भी आधे ही दिखाई देंगे। वहीं इनके ट्वीट को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी पैसे देकर ये फीचर्स खरीदे जा सकते हैं। मेटा के वेरीफाइड ब्लू बैज की खासियत की बात करें, तो इसमें प्रो एक्टिव प्रोटेक्शन और डायरेक्ट कस्टमर सपोर्ट के अलावा ब्लू बैज यूजर्स की अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच होगी। मेटा वेरीफाइड यूजर्स के लिए 18 साल की उम्र होना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि क्या ट्विटर और मेटा वेरीफाइड ब्लू टिक को पेड करने से ब्लू बैज की साख कम होगी, क्योंकि अब कोई भी पैसा देकर इसे हासिल कर सकता है। वहीं जो लोग पब्लिक फिगर हैं, उनमें ब्लू बैज को लेकर गंभीरता कम होगी, इसे भी लेकर आशंका बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का आपके साथ करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विराग गुप्ता जी, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं श्वेता पुरंदरे, फाउंडर हैं टैप अगेन की। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका। और हमारे साथ हैं जितेन जैन, जाने माने सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। जितेन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेन जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। ये किस तरह से समझ पा रहे हैं आप इसको? कुछ दिनों पहले तक द साइकोलॉजी ऑफ ब्लू टिक, जो ट्विटर का जो ब्लू टिक है, उस पर चर्चा होती थी। किसी ने इसको स्टेटस सिंबल से जोड़ दिया, किसी ने इसको एस्पिरेशन से जोड़ दिया। अब जब ट्विटर कह रहा है, और ट्विटर के साथ साथ अब मेटा का भी जो पूरा उनका इकोसिस्टम है, इंस्टा फेसबुक वगैरह पर, अब वहां पर भी ये लोग कह रहे हैं कि पैसा दीजिए और हम तभी ब्लू टिक लेंगे। तो ये क्या एक एक आम आदमी के लिए उसकी साइकोलॉजी में क्या है इस ब्लू टिक का मतलब? क्या आपको लग रहा है कि वो पैसा देके खरीदेगा या पैसा देकर उसको खरीदना चाहिए? देखिए, विश्व में सम्मान से बड़ा बाजार किसी चीज का नहीं है, और एलन मस्क को ये समझ में आ गया। अगर आप, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टेटस सिंबल अगर आप बेच पाए तो समाज में हर व्यक्ति उसे खरीदने को तैयार है। तो उनका ये कहना, जो पहला उन्होंने कहा कि अब आपको किसी ब्लू टिक के लिए कोई लैंडलॉर्ड की जरूरत नहीं है, लॉर्ड एंड पिजन सिस्टम नहीं चलेगा, बस $8 दीजिए और आप भी एक सेलिब्रिटी बनिए, ब्लू टिक का इस्तेमाल कीजिए। और एक बहुत बड़ा इसका क्रिटिसिज्म हुआ कि इससे फेक न्यूज बढ़ेगी, हर कोई वेरीफाई हो जाएगा, $8 बहुत गलत है।
मगर कहीं ना कहीं अगर आप उस साइकोलॉजी को देखें तो लोगों को $8 देने में प्रॉब्लम नहीं थी, पर दूसरा कोई भी $8 देके मेरे बराबर की वजह समस्या वहां पे थी। तो वेरिफिकेशन का तो स्वागत है, पर मुझे लगता है कि ये जो ब्लू टिक का बिजनेस है, आई थिंक मुझे लगता है कि वो आप दूसरा टिक दे सकते थे, ऑरेंज टिक दे सकते थे, लाइट ब्लू दे सकते थे। आपको डिफरेंशिएट जरूर करना चाहिए जो नोटेबल यूजर्स हैं और जो पेड सब्सक्राइबर वेरीफाइड हैंडल्स है, उसमें आपको कहीं ना कहीं एक फर्क करना चाहिए। हालांकि वो ये कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट हैंडल्स है उसको एक गोल्डन कलर का टिक दिया गया है, जो गवर्नमेंट अकाउंट्स है उनको सिल्वर तरह से ग्रे टिक है। तो मगर समस्या ये है जिस तरह से अब वो धड़ल्ले से ब्लू टिक मांग रहे हैं, बहुत सारे आपने देखा पहले स्कैम अकाउंट्स आ गए, बिटकॉइन स्कैमर्स जो थे, फेक न्यूज, हर आदमी ने $8 लेके अपने आप को वेरीफाई जो है उसके अंदर करवा लिया। तो मुझे लगता है इससे समस्या बढ़ेगी और समस्या ट्विटर के लिए इससे भी बड़ी गंभीर है कि रेवेन्यू तो आएगा और बाकी लोग को भी समझ में आ रहा है कि अब मीटा को भी फेसबुक को भी समझ में आ रहा है कि अगर ये करके पैसा कमाया जा सकता है तो बहुत बढ़िया। मगर एक जो सबसे खतरनाक बात है उसमें यह है कि अब जो ये जो वेरीफाइड हैंडल के सब्सक्राइबर होंगे, आपने जो एडिट की फीचर बताई, लंबे मैसेज की फीचर बताई, प्रोमिनेंस, वो अलग है, मगर जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन SMS बेस्ड, जो सिक्योरिटी आपके अकाउंट की है, SMS का कोड आता है, वो मात्र आप उन्हीं यूजर्स को अवेलेबल होगा। बाकी लोगों के लोने का या तो आप ऐप डाउनलोड कर लें, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप भगवान भरोसे हैं, आप अपना नॉर्मल यूजर पासवर्ड इस्तेमाल कीजिए, वो हैक हुआ तो आप जाने। और जो उनकी सिक्योरिटी टीम है, जो कंप्लायंस टीम है, उसकी भी वो छटनी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो ये जो $8 में टिक बेच रहे हैं वो मुझे उसमें आपत्ति नहीं है, मगर जो सिक्योरिटी टीम है, जो ये SMS बेस्ड सिक्योरिटी के फीचर है, ये सबसे उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बैकफायर कर जाए। एब्सोल्युटली पुरंदरे जी, मैम ऐसा तो नहीं है कि एक ऐसा समाज जिसके पास पैसा है वो सारे के सारे ब्लू टिक ले ले और फिर एक एक समय ऐसा आ जाए कि अब जो नॉन वेरीफाइड हैं या जो नॉन बैज्ड हैं, जिनके सामान्य से अकाउंट हैं, वो एक नया स्टेटस सिंबल बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा? या आप देखती हैं कि ये ब्लू टिक लेने की होड़ जो है, ये आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किस तरह से समझेंगे आप इसको? मैं इस बात का बहुत स्वागत करती हूं, क्योंकि हम इसे देख रहे हैं एक स्टेटस सिंबल, और मेरे मेरा ये मानना है कि ये इसे स्टेटस सिंबल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये वेरिफिकेशन की बात हो रही है। और ये सब्सक्रिप्शन जो है, जैसे प्राइम मेंबर्स होते हैं, अमेजोन के प्राइम मेंबर्स होते हैं, या यूट्यूब पे भी प्राइम मेंबर्स के लिए एडिशनल फीचर्स होते हैं, उसी तरह ट्विटर ने एक नई पहल की है। और लोगों को ऐसे लगता था कि वेरीफाइड अकाउंट कोई सेलिब्रिटीज का ही हो सकता है, मगर मेरा ये मानना है कि बिजनेसेस, और कई सारे छोटे छोटे बिजनेसेस है, क्रिएटर्स है, थॉट लीडर्स है, उनको बड़ी दिक्कत होती थी कि ये वेरिफिकेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं थी पहले, और ना ही केवल सेलिब्रिटीज को मिलता था ये ब्लू टिक, कई सारे लोग तो उनके कनेक्शन इस्तेमाल करके ये टिक हासिल कर लेते थे। तो ये जो है ये सब्सक्रिप्शन बेस अभी हुआ है, और ट्विटर का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरह से होगा, क्योंकि ट्विटर के पोटेंशियल बहुत है उसमें। अच्छा मैम, मैं एक चीज आपसे ब्रेकिंग पूछना न्यूज चाहूंगा। अगर मैं आप थोड़ा सा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाऊंगा, जहां पर हमारे क्रिएटर्स हैं। शुरू शुरू में चाहे ट्विटर है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, सबने कहा कि हमारा ये ऑथेंटिकेशन साइन है, इंडोर्समेंट नहीं है। अब इसमें जो छोटे शहरों के जो क्रिएटर्स थे, जो ब्रांड्स जो बने धीरे धीरे, उनको ये लगा कि हाँ हमारी हमारी कोई सुनने वाला है, क्योंकि ये जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये बड़ा लोकतांत्रिक है, ये बड़ा निष्पक्ष है। लेकिन आपने जैसा कहा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक को ब्लू टिक नहीं मिले, क्योंकि इनका अपना लोकतंत्र था ब्लू टिक देने का। अब वो कह रहे हैं कि जिसके पास पैसा वो ब्लू टिक ले जाओ। तो ऐसे में वो जो ग्रास रूट लेवल से आने वाले जो 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 कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कहीं हम उनके साथ तो अन्याय नहीं कर रहे? मुझे नहीं लगता ये अन्याय है, क्योंकि जो मांग रहे हैं सब्सक्रिप्शन जो फीस है वो मेरे हिसाब से ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका अगर फायदा बहुत हो रहा है क्रिएटर्स को हो रहा है, क्योंकि उनके जो कंज्यूमर्स है, उनके जो ऑडियंस है, उनके साथ जुड़ेंगे, और उनके जैसे कई सारे बाकी लोग जो मीटू है, क्योंकि ये जो फेक अकाउंट्स है, आज ही मैंने देखा कि ICICI बैंक ट्वीट पे ट्वीट करे जा रहा है और लोगों को सूचित कर रहा है कि कोई दूसरा फेक अकाउंट है वो उनके साथ इंटरेक्शन कर रहा है। तो ऐसे वाले जो धोखे हैं उससे क्रिएटर्स भी खुद बच बट सकते मैम हैं, मैम और यही जो यही पैसे तो वो जो अपने मैम यही तो सबसे बड़ा विषय यही तो आ रहा है, जिसको जितेन ने भी कहा कि अब कोई भी अपना फोन नंबर देगा,
अपना ईमेल देगा और आपसे वेरिफिकेशन बैज ले लेगा, उसके पीछे कोई मशीन है, इंसान है, वो इंसान कौन है इसका किसका कुछ पता नहीं, उनको आपका एक फोन नंबर चाहिए या ईमेल आईडी चाहिए और उनको पैसे चाहिए। तो ये इस तरह से तो बहुत सारे वेरिफाइड जालसाज पैदा हो जाएंगे। एम आई राइट जितेन, थोड़ा प्रकाश डालेंगे इस पे? हाँ, यही होगा कि $8 में, और आपने ये लोकतंत्र नहीं है, सामंतशाही थी, अब $8 में आप वेरिफाइड स्कैम कर सकते हैं, आप नोटेबल स्कैम कर सकते हैं, आप स्टेटस सिंबल के साथ स्कैम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है तो वो होना चाहिए, पर नोटेबल फिगर और वेरिफिकेशन का में अंदर फर्क होना चाहिए। और ऐसा नहीं ट्विटर अभी कर नहीं रहा, आप अगर किसी भी ब्लू टिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो बताता है कि ये नोटेबल फिगर है, इसलिए ब्लू टिक दिया है कि ये ट्विटर ब्लू को सब्सक्राइब करता दिया, पर उसको कौन देखता कौन है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो वेरिफिकेशन का फीचर है, वेरिफिकेशन होना चाहिए, पर वेरिफिकेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ब्लू टिक के अलावा कोई और मार्क, कोई और साइन, कोई और कलर हो सकता था। अगर नोटेबल पर्सनालिटीज को मिक्स करेंगे तो आज एक नरेंद्र मोदी है, कल 4 फर्जी नरेंद्र मोदी अपना नाम चेंज करके थोड़ा मिलता जुलता नाम लाके ब्लू टिक से चलाएंगे। और आपने पहले भी देखा है एलन मस्क के खुद के नाम से इतने फर्जी लोगों ने हैंडल बनाकर इतने क्रिप्टो के स्कैम किए, उन्हीं की प्रोफाइल से बहुत लोग हुआ। तो मुझे लगता है कि पहले, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, पहले ये होता था कि जितने नाम से जो फर्जी जो नाम से जो हैंडल्स बनते थे कम से कम वो वेरीफाइड तो नहीं होते थे, क्योंकि वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता था। लोकतंत्र का कहने का मतलब बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा कोई लोकतंत्र वहां नहीं है, वहां पे भी बहुत आरोप लगे हैं, फेवरिज्म का आरोप लगा है, प्रोटेक्शनिज्म का आरोप लगा है, सब चीज का आरोप लगा है, लेकिन फिर भी कम से कम एक तरीका था किसी को वेरीफाई करने का, हर कोई ब्लू टिक नहीं हो जाता था। वो अब उल्टा धमकी भी दे रहे हैं, हाँ, कि $8 नहीं दोगे जो नोटेबल फिगर उनका भी हटा देंगे। सो मैं भी वेरीफाइड हैंडल हूं, पर मुझे भी उनका नजर आया है, $8 दीजिए नहीं तो हटा देंगे, हटा जी हाँ बिल्कुल। अब विराग जी के पास आते हैं, विराग जी समस्या तो हमने देख ली कि क्या है और नया जो भी ये जो बन रहा है इकोसिस्टम ये भी समझ में आ गया, लेकिन अगर किसी के साथ कोई धोखा हो जाता है, उसको सर्विस प्रॉपर मिल नहीं पा रही है, माना हमने दे भी दिया, हमने वेरिफिकेशन का पैसा दे दिया, हमने अपने ब्लूटिक का पैसा दे दिया, हमारे साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई हमें सर्विस प्रॉपर नहीं मिल रही है, क्या इन कंपनीज का भारत में इतना तंत्र है कि इनको जिम्मेदार ठहराया जा सके, या हमारे कानून में ऐसे प्रावधान हैं कि हम अपनी आवाज उठा पाएं एज अ कंज्यूमर? सर, आपके दोनों सवालों का जवाब नहीं है, नहीं भारत में इनका कोई औपचारिक प्रभावी तंत्र है, नहीं हमारे पास प्रभावी कानून है। आपको पता है दीपक जी कि पिछले 10 सालों से इसी विषय पर हमने अनेक प्रयास किए और उसके 3 पहलू थे। पहला कि 18 साल से कम उम्र के माइनर्स के साथ जो इनका अरेंजमेंट है, जो एग्रीमेंट्स हैं, वो गलत है और इससे जाहिर हो गया कि 18 साल से कम उम्र को ये ब्लू टिक नहीं देंगे, उसको उन्होंने स्वीकार किया। दूसरा कि इनके खुद की अपनी बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री के स्रोतों से क्लियर है कि 8% से 35 से 40% इनके यूजर्स फर्जी हैं, जिस पर ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और तीसरी बात आती है कि भारत में कोई भी व्यापार हो तो भारत के कानून के दायरे में होगा। अब ये जो इनका नया जो फीचर आया है, ये एक व्यापार है, इस व्यापार में मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को, सिर्फ ट्विटर नहीं कर रहा है, फेसबुक भी कर रहा है, तो भारत सरकार को 4 बातें क्लियर कट पूछनी चाहिए। पहला कि ये जो ब्लूटूथ फीचर है कौन ला रहा है, क्या इनकी भारत की कंपनियां ला रही हैं कि विदेशी कंपनियां ला रही हैं। दूसरा, भारत में इसमें क्या सर्विस टैक्स और GST वगैरह का पेमेंट होगा या नहीं होगा। तीसरा, अगर किसी गलत व्यक्ति को इन्होंने ब्लूटूथ दिया और उसने अपराध किया, क्या उस अपराध की जिम्मेदारी इन पर होगी। और चौथी सबसे बड़ी बात, जहाँ पर पुरंदरे मैडम से मैं असहमत हूँ, उन्होंने बोला कि जिस तरीके से वो प्राइम मेंबर्स होते हैं, ये वो बात नहीं है, क्योंकि ब्लू टिक के 3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि ये एक वेरिफिकेशन है जो उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। दूसरा कि आप वैल्यू सर्विस दे रहे हैं व्यापार में, वो आपका अधिकार है। और तीसरा, स्टेटस सिंबल है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिफिकेशन करना और सिस्टम को सिक्योर रखना उनकी जिम्मेदारी है। और ये कोई भी कंपनियां नहीं कह सकती हैं कि जो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं हम उनको सर्विस नहीं देंगे, क्योंकि यह बात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लियर हो गई है कि कोई भी सर्विस फ्री में नहीं ले रहा है। ये कंपनियां, ये जो हमारे हम यूजर्स हैं, उन सारे लोगों का डेटा चोरी करके बेचती हैं और उससे मुनाफा कमाती हैं।
तो वो कुछ अभी सामने से $8 ले रहे हैं, बाकी लोगों का पीछे से ले रहे हैं। और उस डेटा चोरी के खिलाफ दुर्भाग्य से भारत में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के फैसलों के बावजूद भी कोई कानून नहीं बना है। अभी हम जब मानहानि कानून पे बात करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन पे बात करते हैं, तो 2013 के लिली थॉमस केस को हम मानते हैं कि ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अप्लाई होता है, लेकिन हम जब प्राइवेसी के जजमेंट की बात करते हैं तो 9 जजों का जजमेंट आर्टिकल 141 के बावजूद लागू नहीं होता है। ये पूरा जो खेल है, इस खेल में मैं समझता हूँ कि डिजिटल अराजकता बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा और जो एक लोकतांत्रिक माहौल है उसमें कहीं ना कहीं से कटौती होगी। एब्सोल्युटली, ये किसके लिए आपको लगता है सर कि ये किसके लिए जरूरी होना चाहिए और कौन सिर्फ संसार का जो माया जाल जिसे भारतीय दर्शन में कहा जाता है माया भ्रम, कौन उसमें फंसा हुआ है, वहां पर पैसे डाल रहा है सिर्फ? एक्चुअल में आवश्यकता किसको है इसकी, आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि तीन तरह के लोगों को इसकी आवश्यकता है। पहली बात, जो सरकारी संस्थान है या जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, देखिए जिस और जिनका इंपर्सनेशन सबसे ज्यादा हो सकता है या जिनका पब्लिक पॉलिसी के ऊपर इम्पैक्ट है, उनको इसकी जरूरत है। दूसरे पत्रकार हैं, वो नोटेबल पत्रकार जो पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि देखिए आज ट्विटर सबसे बड़ा एक न्यूज का माध्यम बन गया है, तो जो सही पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं, जिनको भी इंपर्सनेट करके फेक न्यूज फैलाई जा सकती है या वो किस तरह के बात कर रहे हैं, समाज उसको सुनना चाहता है। तो ये दो तबके ऐसे हैं जिसके बारे में समाज जानना चाहता है कि इनके इसी चीज को लेकर मत क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, और उसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि वो रियल आदमी है कि कोई फर्जी है उनके नाम से। तीसरे वो लोग हैं जो समाज के अंदर एक प्रभाव की भूमिका निभाते हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गए, कुछ नोटेबल फिगर्स हैं, बॉलीवुड के एक्टर हैं, क्रिकेटर्स हो गए, जो सेलिब्रिटीज हैं, एक्टिविस्ट हैं या कोई नोटेबल फिगर्स है सामाजिक कार्य के अंदर है, जो जिनको समाज जानता है, कोई पद्मश्री का जिसको मिला है, इस तरह के लोग हो, कोई बड़ा वकील हो या कोई पुराने जज, जो समाज में एक तरह से प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं हमारी सोच के अंदर, हमारी हमारी नीति के निर्माण के अंदर, तो इस तरह के लोगों को भी एक तरह से, जिनका इंपर्सनेशन हो सकता है, जिनके नकली अकाउंट बन सकते हैं, उनको भी एक तरह के वेरिफिकेशन मार्क की जरूरत है। तो ये तो है, ये जिनको जरूरत है। दूसरे वो लोग हैं जो चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वो पैसे लेकर उनको भी दे, पर मुझे लगता है कि उनके अंदर कहीं डिफरेंशिएशन मैकेनिज्म होना चाहिए कि क्या ये नोटेबल फिगर्स हैं या ये जो आपने उनका वेरिफिकेशन के लिए पैसा लेकर उसको वेरीफाई करा, दोनों को एक अलग तरह से मुझे लगता है दिखाना चाहिए। और अगर आप किसी व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं या बिना पैसा लिए भी उसको वेरीफाई कर रहे हैं, दोनों ही केस के अंदर आपकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है कि अगर उस व्यक्ति के साथ कोई फ्रॉड नहीं, बट सर ये तो के द्वारा कोई फ्रॉड होता है नहीं, जितेंद्र जी अब ये तो ऐसा हो गया ना कि अब अगर माना मुझे कोई इंपर्सोनेट कर रहा है, मेरा कोई फर्जी अकाउंट बना, अब ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी कह रही है कि ये आप ही की जिम्मेदारी है साहब, आप पैसा लो पहले तब हम करेंगे, ये तो बात हो गई कि आप अपने लोकल थाने में जाएं और बोलें कि साहब मेरे घर में चोरी हुई है, तो थानेदार पहले बोले कि नहीं पहले आप थाने का पैसा जमा करो, हम तभी आएंगे आपके पास। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन भर बैठ के कोई गलत उसके लोगों को क्रिप्टो स्कैम के लिए बोलता है, कोई लालच देता है या धार्मिक भावनाएं भड़काता है, इस तरह के लोग जो हाशिए पर थे, अब वो $8 देके दिन में खुलेआम करेंगे, ट्विटर उनको प्रमोट भी करेगा, उनको और ज्यादा भड़काने का माध्यम भी देगा और उनको प्रमोट भी करेगा, और कोई जिम्मेदारी नहीं है। वेरिफिकेशन का असली मतलब ये होता है कि आपने वेरीफाई किया कि व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है, इसकी क्या जिम्मेदारी है, ये कौन है, या उसका कोई आईडी प्रूफ आप लेते हैं। यहाँ तो आपको लग रहा है कि बस दीजिए अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और $8 दे दीजिए, बिल्कुल, और कल ऐसा भी आ जाए कि $80 दे दो तो ये भी नहीं मांगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो लोग जेन्युइन कंटेंट डाल रहे हैं, समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए कंटेंट डाल रहे हैं, उनको ब्लू टिक उनके पास हो ना हो, उनके उनके फॉलो बेस पे कोई, क्या आपको लगता है कि कोई असर पड़ेगा, कोई ये देखेगा कि ये ब्लू टिक नहीं है, इसको फॉलो नहीं करते? तो 100% पड़ेगा ना, वो तो खुद कह ही रहे हैं कि जो ब्लू टिक वाले व्यक्ति होंगे उनको हम ज्यादा लिखने की अनुमति देंगे, उनका कंटेंट बढ़ाकर उनको हम प्रमोट करेंगे, जो स्पेस दिया जाएगा ज्यादा वो उनको हम प्रमोट भी करेंगे, प्रमोट भी किया जाएगा, ऊपर आएगा। तो आप अगर मान लीजिए आप एक बड़े पत्रकार हैं और गलती से उन्होंने आपने $8 नहीं दिए, तो आपको सबसे नीचे डाला जाएगा और जो $8 का कोई नौसिखिया व्यक्ति जो फेक न्यूज फैला रहा है उसको सबसे ऊपर दिखाया जाएगा, फर्क तो पड़ेगा। बिल्कुल श्वेता जी, अब ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो खास तौर से इंस्टाग्राम, जहां पर हमारी पहले भी बात हो रही थी कि आप अब इंस्टाग्राम एक कमाई का जरिया हो गया है, तो आप किस तरह के ब्रांड एंडोर्सर्स आप कह लीजिए, कंटेंट क्रिएटर्स उनको कह लीजिए, इन्फ्लुएंसर्स कह लीजिए, क्या सलाह देंगे ऐसे लोगों को, किसको रखना चाहिए पेड सब्सक्रिप्शन और किसको नहीं?
दो चीज़ें मुझे कहनी है। एक तो मुझे कहना है कि जो कुछ फ्री में मिलता है लोगों को उसकी आदत पड़ जाती है, फिर उसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन अगर आगे चल के मांगे तो बहुत छटपटाहट होती है। तो ये चॉइस तो सभी को है कि आपको ट्विटर पर रहना है नहीं रहना है, ब्लू टिक लेना है नहीं लेना है, ये हर किसी का चॉइस है। दूसरी चीज़ मुझे ये कहनी है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ट्विटर पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और जो ट्विटर के माध्यम से प्रोडक्ट की बिक्री होती है उसमें देखा गया है कि ब्रांड का ट्वीट अगर दुगना बिक्री बढ़ाता है तो इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल करके वो 5 गुना हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के हिसाब से इसमें बहुत वैल्यू है। और कोई इन्फ्लुएंसर अगर अपने अकाउंट पे इंस्टाग्राम पे ऐड चलाता है या यूट्यूब पे ऐड चलाता है तो महीने में जो पैसे वो खर्च करता है वो ये ट्विटर सब्सक्रिप्शन में ये दे सकता है। मैंने खुद ट्विटर का ब्लू टिक लिया है, मेरे फॉलोअर्स 400 के करीब है, मगर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मुझे हासिल हुआ है और लोग जानते हैं कि ये एक वेरीफाइड है। और ये वेरिफिकेशन प्रोसेस उन्होंने जरूर कुछ प्रोसेस फॉलो किया होगा क्योंकि उसको 2 हफ्ते लगे ये वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद में जब मैंने मेरा नाम हैंडल थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने फिर से रोक लगा दी और फिर से उन्होंने 2 या 3 हफ्ते और ज्यादा लिए। तो वेरिफिकेशन हम समझ रहे हैं कि उनके पास कोई प्रोसेस नहीं होगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानती क्योंकि पहले से तो ये और अच्छा होने की संभावना है और हम ऐसे ही अपेक्षा करते हैं आने वाले दिनों में, देखते हैं कि अप्रैल विराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अप्रैल फूल तो नहीं है। जी जी विराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विराग जी देखिए दीपक जी, ये सोशल मीडिया की नई वर्ण व्यवस्था है। इस नई वर्ण व्यवस्था में जो वेरीफाइड नहीं है वो असुरक्षित भी है, इम्पर्सोनेट भी हो सकता है और उसका कोई औचित्य, उसका एक कोई दर्जा नहीं है। और जो जितेन बोल रहे थे उसके संदर्भ में है, जहाँ पर मैडम बोल रही हैं तो सवाल इस बात का है कि अगर उनका कोई प्रोसीजर है तो नोटिफाई क्यों नहीं होता। जिस देश में ऑटो वालों के रेट सरकार तय करती है और वहाँ पर $8 पर महीने का एक विदेशी कंपनी आपसे चार्ज करती है और सरकार उस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि पूरी व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी, क्योंकि जब सोशल मीडिया एक लोगों का एक कॉमन फंडामेंटल राइट बन गया, लोगों का एक संवाद का माध्यम हो गया है और उस संवाद के माध्यम इस तरीके की अनरीजनेबल बातें, आपने ब्रेक के पहले एक सवाल पूछा था तो उस सवाल के जवाब में ये है कि इस पूरे प्रोसेस में ये इल्लीगल है और इल्लीगल कैसे है उसके 2 बातों को समझने की जरूरत है। पहला, इन कंपनियों का स्ट्रक्चर, जहां पर पेरेंट कंपनी अमेरिका में है, एक दूसरी कंपनी एक कहीं पे आयरलैंड जैसी कंपनी है आयरलैंड में है जहां पर कि टैक्स हेवन है, एक सिंगापुर में है और एक भारत की कंपनी है। भारत की कंपनी सिर्फ विज्ञापन इकट्ठा करती है लेकिन ब्लू टिक का जो कानूनी जिम्मेदारी है वो किस कंपनी के ऊपर रहेगी, चाहे मेटा हो चाहे ट्विटर हो, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। दूसरा, भारत के कानून के हिसाब से इन्हें 3 तरीके के अधिकारी नियुक्त करना जरूरी है, ग्रीवांस ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर और नोडल ऑफिसर। सरकार कानून के हिसाब से इन कंपनियों के डिजिग्नेटेड अधिकारियों से बात करती है लेकिन इनका खुलासा आज तक पिछले 10 सालों में नहीं हुआ, तो ये एक चिंताजनक बात है कि अगर लोग ब्लू टिक वेरिफिकेशन, किसी के गलत हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई शिकायत है तो किससे बात करें। और मैं नहीं समझता हूँ कि हर मामले में पुलिस में FIR दर्ज की जा सकती है। जब देश में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हों तो इन कंपनियों की पारदर्शिता और कानूनी जवाबदेही दोनों तय करने की ज़रूरत है और ये समय आ गया है कि अब सरकार इस बारे में उचित कदम उठाए। बिल्कुल विराग जी, और आपकी बात सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि अब तो सरकार को और ज़्यादा आगे आकर इन पर दबाव डालना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, क्योंकि अब तो आप पैसा ले रहे हैं। पहले तो आप तथाकथित रूप से फ्री बोलते थे, फ्री नहीं थी वो, लेकिन अब तो आप प्रत्यक्ष रूप से पैसा ले रहे हैं, तो इसलिए अब तो सरकार को हर हाल में आगे आकर सुनिश्चित करना चाहिए कि इनके ग्रीवांस ऑफिसर्स, इनके नोडल अधिकारी, इनके कंप्लायंस अधिकारी सब हों। विराग जी संक्षेप में मेरे को क्लोज करना है सर। एक छोटी लाइन, जितेंद्र जी ने बोला था कि वर्गीकरण कैसे होता है, तो उसमें अगर हम जब ट्विटर का जो ब्लू टिक जिन्होंने पे किया है अगर आप उसको करेंगे तो पेमेंट वाला है कि नहीं है, प्रोसीजर है। एब्सोल्युटली सर, उसमें एक अकाउंट आता है, उसमें दिया जाता है कि दिस सब्सक्राइबर हैज सब्सक्राइब टू द ब्लू टिक अकाउंट
और दूसरे में एक शायद लेजिट अकाउंट का है या कुछ किसी तरह का एक वो देता है वो। तो कुल मिला के अब देखना ये होगा कि भारत में एक जो पहलू है जिस पर छोटी चर्चा में बात रह जाती है कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कितने लोग इसको ऑप्ट करेंगे या नहीं, बहरहाल वो थोड़ा सा दूसरे पक्ष में भी चला जाता है। लेकिन देखते हैं कि ट्विटर हो, मेटा हो या मेटा का ही फेसबुक और इंस्टा हो, वहाँ पर जब पेड सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से बहाल हो जाएगा तो फिर किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी, थैंक यू सो मच। श्वेता जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जितेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा, में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।